ये हमने देख लिया। वाओ ठीक है, तुम लोग हो गए ना। एथेंस के लोगों को, ग्रीक के लोगों को ना विश्वास था कि पुनरुत्थान नहीं होता है, मरने के बाद कुछ नहीं है, इसलिए वो वासना में जीवन जीते थे। वासना में मतलब क्या करते थे, वो लोग पीते थे, सोते थे, जगते थे, खाते थे, और उनके टेम्पल्स में ना फीमेल प्रोस्टिट्यूट्स रखा जाता था, जिसे प्रिस्टस कहा जाता था। इफिशियस में भी था प्रिस्टस, उनको याजिका कहा जाता था। जो तुम्हारा सेवा, यदि तुम गॉडेस डायना के सामने या वो सामने बेंड करोगे, बाव करोगे, उसके बाद तुम जाके अपना पूजा संपन्न कर सकते हो, वो प्रीस्टेस फीमेल गॉडेस के साथ कुछ भी करके, वहां पे अपना शरीर वगैरह वासना में। क्यों? क्योंकि जीवन यही है, ये जीवन के बाद कुछ नहीं। सो देयर वर प्रीस्टेस हु वर कॉल्ड एज प्रोस्टिट्यूट्स, वो लोग वेश्या थे। तो ये उनका जीवन था, ये उनका डॉक्ट्रिन था। वो लोग विश्वास ही नहीं करते कि मरने के बाद कुछ आने वाले, किसी ने देखा नहीं देखा, तो उनको पता था कि यही जीवन है, मजे से जियो जैसा जीवन है। देखते ना, लोग आज भी कह रहे हैं अरे जीवन एक ही तो है, चार दिन की जिंदगी है, उसमें पियो खाओ सो बस मस्त रहो मगन रहो, बाद का बाद में देखा जाएगा ना, जब मरेंगे तभी देखा जाएगा। नहीं सॉरी, टू डेज आपके लिए बहुत लेट हो जाएगा, जो देखना है वो आज ही देखना है। टुडे इज द डे ऑफ सलवेशन, आज उद्धार का दिन, दिस इज द डे ऑफ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, एक पापा जो है, एक पिताजी जो है, अपने बेटे के साथ ना कार में जा रहे थे पिकनिक के लिए, और कार में जाते 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 है ना, पापा बहुत फास्ट चला रहे थे, और सडनली दरवाजे से, खिड़की से एक बम्बल भी आ गए अंदर करते हुए, वहां पे एक मधुमक्खी करते हुए मधुमक्खी अंदर आ गया। वो लड़का जो था घबरा गया, वो डर गया, क्योंकि वो मधुमक्खी से बहुत डरता है। उसको पता है कि उसको एलर्जी इतना है मधुमक्खी से, कि अगर मधुमक्खी ने उसको काटा तो उसके दिमाग में ये था मैं मर जाऊंगा बच्चे को, क्योंकि बच्चा बहुत डर रहा था, बहुत डर। बाप ने सडनली देखा कि ये क्या हो गया, उसने खौफ देखा कि बच्चे के सर के चेहरे के ऊपर खौफ देखा, तो बाप ने सिर्फ ये किया, मधुमक्खी को पकड़ लिया, जोर से दबाया और छोड़ दिया, और फिर से चलाने लगा, तो मधुमक्खी फिर से वहां पे, बच्चा फिर से डर रहा है बाप को। तो बाप ने फिर से देखा बच्चे के पास और देखा कि ये क्यों डर रहा है, फिर बाप ने बच्चे को बोला कि देखो मेरे हाथ में, तो बच्चे ने देखा कि वहां पर वो उसका चोच पे था ना, चोच मधुमक्खी, तो बोले कि ये मधुमक्खी अभी तुम्हें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसके चोच मैंने अपने हाथ में, there was a big red mark and a sting, वो चोच निकाल दिया, तो मधुमक्खी का कुछ असर नहीं होगा, तो डरो मत के मधुमक्खी से, और वो बच्चा फिर ठीक खेलेंगे। रीड 1 कोरिंथियंस 55 to 56। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, मृत्यु का डंक पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हे मृत्यु तेरा डंक, यीशु मसीह ने कहा, देखो मेरे हाथ, और वो डर जिससे शैतान ने सारे लोगों को कैद करके रखा, आखिरी जो दुश्मन था नष्ट करने का, समाप्त करने का, वो है मृत्यु। इस कारण जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं वो मृत्यु से पार होकर अनंत जीवन में जाते हैं, क्योंकि आखिरी जो दुश्मन था मृत्यु को खत्म करना था। शैतान भी कुछ नहीं था यार, शैतान तो कुछ नहीं था, मृत्यु खत्म करना था, और मृत्यु को जैसे जयवंत होकर यीशु मसीह बाहर आ गए, जिंदगी का राह बना दिया। देखो मेरे हाथों में, मैंने वो डंक ले लिया, अभी डरने की जरूरत नहीं है। मृत्यु तो केवल एक द्वार है हमारे
यीशु के पास ले जाने के। मौत से कोई डरा नहीं? बिल्कुल नहीं ना। थैंक यू तैयार होना है ना, कैपेसिटी हाँ लवली कैपेसिटी है ना। आमीन। बट वॉट इफ देर इज नो रेजरेक्शन। अभी लोग हम पे चर्चा करेंगे, हंसेंगे, बोलेंगे अगर पुनरुत्थान है नहीं तो एक ही जीवन मिलता है, वो एक ही जीवन तुम लोग यीशु यीशु करके नाम जपते जपते तुमने गवा दिया। यदि पुनरुत्थान नहीं है तो सब मरेंगे, मृत्यु में चले जाएंगे, नष्ट हो गायब, हमारा अस्तित्व मिट जाता है, कुछ है नहीं उसके पास, तो क्या? ऐसे ये लोग कहते थे। कौन है ये लोग? सदूसी जो है वो उनका नाम शदक से लिया जाता था, जो है धर्मी जन या टू बी राइचियस। ठीक है, ये लोग बहुत अमीर लोग थे, कम संख्या में थे। यू कैन रिलेटेड विद समवन प्रीस्ट, फारिसीज बहुत सारे थे और वो मिडिल क्लास के थे, फारिसीज जो थे ना मिडिल क्लास, पर सदूसी जो है सबसे उत्तम क्लास, ब्राह्मण, धनवान ब्राह्मण, रिच। क्यों? क्योंकि सारे टेंपल्स जो पैसा रहता था ना, गफला, टेंपल का गफला पैसा, उनके ये सब उनका प्लान था, ये सब वो चलाते थे। एनस, एनस वाज अ सदूसी, एनस, एनस वाज अ सदूसी। ओके, तो ये सब गफला उन वो लोग चलाते थे। इसलिए यदि आप आपके बकरी ना 10 रुपए लेकर आपके बकरी लाते हो या आपका भेड़ लाते हो ना वहां पे चढ़ाने के लिए वेदी के ऊपर, वो लोग बोलते थे ना इसमें कुछ तो फॉल्ट है, इसमें कुछ तो गलती है, ये नहीं चलेगा, हमारा वाला ले लो जो 500 रुपए का है, 10 रुपए का, 10 रुपए का 500 रुपए में बेचते थे, उससे वो लोग अपना पैसा कमाते थे। इसलिए जब 70 AD में टेंपल डिस्ट्रॉय हुआ, सदूसी लोग गायब, उसके बाद सदूसी का नामो निशान नहीं, वो लोग भाग गए, पैसा खत्म ना, पैसा बंद, वो लोग भाग गए, वो लोग निकल गए। फरीसी का नामो निशान मिल गया वापस से 70 AD के बाद, फिर भी मिला, पर फरीसी लोग अभी सदूसी लोग गायब, उनका पैसा खत्म ना। समझ में आया? यस सुनो, यस यस, ओके। वो लोग पुनरुत्थान बोलते थे होता ही नहीं। यू कैन रीड वन ऑफ इट, एक्ट्स 23:8, पुनरुत्थान होता ही नहीं बोलो। हाँ, बोलो भी बहुत स्मार्ट है, एक्ट्स 23:8। क्योंकि सदूकी तो ये कहते हैं कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है, परंतु फरीसी दोनों को मानते हैं। फरीसी दोनों को मानते हैं, मिडिल क्लास, पर सदूसी ये सब सदूकी, सदूकी नहीं मानते। ठीक है, और वो लोग हमेशा अपना ध्यान इस जीवन पे लगाए रखते थे, अगले जीवन के बारे में बात भी नहीं करते थे। वो लोग बोलते थे अगले जीवन में क्या रखा है, पहले इस जीवन में जीना सीखो, अगले जीवन तो बाद में देखा जाए, इस जीवन में तुम्हारा जीवन अच्छा नहीं है तो अगले जीवन के बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं। एंड देयर इज नॉट बिलीव इन एंजल्स आल्सो। एंड लास्ट में परमेश्वर जो है और इंसान जो है एक दूसरे से बहुत दूर है। क्या विश्वास करते थे वो? परमेश्वर और इंसान एक के पास नहीं रह सकते, जैसे कि अल्लाह और उसका बंदा जो है एक साथ नहीं रह सकते, एक के बाद बाजू में नहीं आ सकते। That's why Hebrews says, come boldly into the throne of grace. It is shocking for them. इसलिए जब यीशु मसीह यहाँ पर कह रहे थे कि मैं परमेश्वर हूँ, it is shocking for them. ना हम उसके सानिध्य में जा सकते, ना उसके सामने जा सकते, वो सिर्फ तोरा मानते थे ये लोग, सिर्फ तोरा, और कह रहे कि तुम अपने आप को परमेश्वर बना रहे हो। अरे आदमी की लायक ही नहीं है कि वो परमेश्वर के सामने भी खड़े रहे। ये वही लोग थे जो परमेश्वर का नाम तक अपने जुबान से नहीं लेते थे। दे वर सो रिलीजियस एंड दे सेड, तोरा में ऐसा लिखा गया है कि अगर एक जानवर ने वो पहाड़ को चू भी लिया तो वो मर जाता है, और तुम कह रहे तुम परमेश्वर हो। इसलिए यीशु मसीह ये सब उनको बता रहे थे। देखा उनका मेंटालिटी, और देखो यीशु मसीह कितने खूबसूरत रीति से अपने आप को बताते कि मैं यीशु मसीह।
आगे फॉरगेट अबाउट दिस, यू नो दिस एनकाउंटर, सदूसी लोग एक ही समय यीशु मसीह को कुछ बोले और कुछ बड़ा वाद विवाद किया यीशु मसीह के साथ, वो कब है? यदि, बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन उन्होंने पूछा, यदि एक आदमी रहता है और वो ब्याह करता है, जब वो मरता है वो औरत उसके दूसरे भाई से ब्याह, वो भी मर गए, तीसरा भी मर गए, ये कहा का स्टोरी किधर से निकाल के रख दिया वो? तो पुनरुत्थान में जो तुम लोग कह रहे हैं उसमें वो किसकी बीवी रहेगी? बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन, बहुत स्टूपिड। अगर ऑडियो बाइबल पढ़ रहे हो ना, इंग्लिश ऑडियो बाइबल, उसमें अगर सुनाई देता ना, यीशु मसीह हंसते भी है। यीशु मसीह हंसते वहां पे। अच्छा वो भूल जाओ, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इज एक्ट्स 4:1-2। विल रीड एक्ट्स 4:1-2। एक्ट्स 4:1-2। जब वे लोगों से यह कर रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे दे कर मरे हुए के जी उठने का प्रचार करते थे। सदूकी लोग क्रोधित हो गए क्योंकि वो यीशु का उदाहरण दे दे कर लोगों में प्रचार कर रहे थे कि मरे हुओं में से जी उठने का संभावना है, यीशु मसीह का उदाहरण दे देकर, तो इसलिए ये सदूकी लोग क्रोधित हो गए। समझ में आया कैसे ये लोग बहुत चला, बहुत अमीर बहुत थे, वो अमीर बहुत थे, बहुत ज्यादा। ओके, तो यदि रिजरेक्शन नहीं है, पुनरुत्थान नहीं है, तो मतलब प्रतिफल रिवॉर्ड्स नहीं है, यदि रिवॉर्ड्स नहीं है तो पनिशमेंट भी नहीं है, और यदि पनिशमेंट भी नहीं है, रिवॉर्ड्स भी नहीं है, पनिशमेंट भी नहीं है, लाइफ भी नहीं है आगे जीवन, तो मिट्टी में ही अगर खाक में ही मिलना है तो जियो जैसे जीना है। देखा फूलिशनेस ऑफ दिस टीचिंग, जियो जैसे जीना है ना, तो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है, किसको खौफ रहेगा किसी चीज का? परमेश्वर को जो करना है करने दो ना, अगर परमेश्वर ने हम पे न्याय कर दिया, हम यहां मर गए, हमारा चैप्टर खत्म मिट्टी में, ज्यादा से ज्यादा मर जाएंगे ना मिट्टी में, तब तक तो जियो जितना जीना है, तब तक खून खराबा करो, जब तक लूट मचाओ, तब तक कैसे भी जियो, एक ही जीवन है ना, मरना है तो मिट्टी में जाएंगे खत्म। दे वॉन्टेड टू पैसिफाई देमसेल्व्स, ज्योति अंधकार में चमकी पर अंधकार ने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो खुद के काम उनके बुरे थे, और वो अंधकार से, वो ज्योति से बैर रखते थे। समझ में आया, क्योंकि उनके खुद के काम बुरे हैं। यदि एक पुनरुत्थान है तो उनको अपना जीवन सही करना पड़ेगा, और वो करना नहीं चाहते, इसलिए पुनरुत्थान को अगर आपने निकाल दिया, मेरा जीवन यहाँ ही खत्म होता है, बस मुझे किसी को जवाब देना नहीं, मैं जैसा जीना चाहता हूँ जी सकता हूँ। करेक्ट, करेक्ट ना। स्कूल में क्या होता था, यूनिफॉर्म पहनना पड़ता था, प्रिंसिपल ने नेल्स कट करना पड़ता था, नाखून निकाल दिखाकर हेयर टाई करना पड़ता था। कॉलेज में कौन देखा है, कॉलेज में जो मर्जी कारण करो, जैसे बाल बांधना है बांधो, देखने वाला कोई नहीं है, पूछने वाला कोई नहीं है, लेक्चर में बैठना है बैठो, नहीं बैठना है निकलो। समझ में आ रहा है, अगर आपने अथॉरिटी निकाल दिया आपका जीवन बिखर जाए, जैसा जीना जी, पर अगर अथॉरिटी डाल दिया तो आपको एक आज के आज बाल बांधना ही पड़ेगा, अरे आज के आज यूनिफॉर्म पहन करो, कल स्कूल जाना ही है, पर अगर अथॉरिटी नहीं है तो कुछ भी पहले है, क्रम्पल्ड वम्पल भी पहले छोड़ो, जीवन में ऐसे ही पहले जाओ। If there is no resurrection, अगर पुनरुत्थान नहीं है तो मतलब यीशु का भी पुनरुत्थान नहीं है। I know today आपका बहुत somehow you are sitting, God bless you. परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें पहला फल हुआ। मसीह सचमुच जी उठा। समझ में आ रहा है, तो यदि कोई रिजरेक्शन नहीं है
तो यीशु मसीह उठे हैं। और यदि यीशु मसीह का पुनरुत्थान नहीं हुआ तो क्या? सोचा आपने कभी यदि यीशु मसीह मुर्दों से नहीं जी उठे तो क्या? बस उतना ही, No resurrection from the dead. Number one, gospel useless. Gospel useless. Read 1 Corinthians 15, verse 12. 1 Corinthians 15, verse 12. तो जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वह मरे हुओं में से जी उठा, तो तुम में से कितने क्यों कर कहते हैं कि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं? प्रचार हुआ मसीह का कि मसीह पुनरुत्थान, उनका पुनरुत्थान मृत्यु से, वो जी उठे। गॉस्पेल क्या है आपको पता है? Whenever you see a Christian ना क्रॉस देखेगा पहला। गॉस्पेल इज नॉट द क्रॉस, द गुड न्यूज, जो खुश शुभ संदेश है या खुशखबरी है, वो क्रूस नहीं है, कब्र है। I'll tell you what the gospel is. Read 1 Corinthians 15, 1 and 4, 1 to 4. पहला कुरिन्थियों 15, 1 से 4. हे भाइयों, मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ। सुसमाचार सुनो, क्या है ये सुसमाचार? आगे, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। Correct. इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया Perfect. और गाड़ा गया Perfect. और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। सुना, हम एक ही प्रचार करते हैं, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरे 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 मरे, इतना स्ट्रेस करते हो उस पे, पुनरुत्थान कंप्लीट करता है उसे, पुनरुत्थान के बिना क्रूस कुछ भी नहीं। प्रूफ क्या है इसका कि यीशु मसीह फिर से उठे? वर्स 5 एंड 8, वर्स 5 टू 8, आगे पढ़ो, वर्स 5 टू 8, उसी का वर्स 5 टू 8, इसका प्रूफ, इसका प्रमाण क्या है? और कैफा को तब बारहों को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुतेरे अब तक वर्तमान है पर कितने सो गए, फिर याकूब को दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया, और अब सबके बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा है। समझ में आ रहे, इतने जनों को पुनरुत्थित यीशु दिखाई दिया। ये कुछ ऐसा ही मैं नहीं बता रहा हूँ कि भावनाओं के जैसा, या क्या बोलते, एक फेबल नहीं बता रहा हूँ आपको कि ये कभी तो कौन से साल में ये सब कभी तो हुआ था, ये नहीं बता रहा हूँ। जो जिसने देखा, पतरस, पहला कैफा का नाम लिया ना, कैफा ना, पतरस, पहला पतरस जो उसके साथ था, उसने खुद अपने आंखों से देखा कि यीशु मसीह उठे, फिर बाद में 500 जन वगैरह जो थे, फिर बाद में डिसाइपल्स वगैरह अपोस्टल्स वगैरह, और आखिर में मैंने भी देखा। और कहीं से भाई ऐसे भी है जो आपके बीच में अभी तक जिंदा है, और कुछ ऐसे है जो आगे चले गए। और इतने जनों ने यीशु मसीह को पुनरुत्थित देखा, मतलब यीशु मसीह फिर से जिंदा हो गए। समझना, यही शुभ संदेश है या खुशखबरी है, यही शुभ संदेश या खुशखबरी। यीशु मसीह ने कहा, इस मंदिर को तुम ढाल, तीसरे दिन पे मैं इसे फिर से जॉइन करूंगा। ठीक है, रोमन्स 1:4, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये कैसे प्रमाणित होता है? यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र है, ये किस वजह से प्रमाणित हुआ है? रोमन्स 1:4, और पवित्रता की आत्मा के भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र। क्यों ये जरूरी था? ताकि वो प्रभु बने
जिंदा लोगों का भी और मरे हुए लोगों का भी, ताकि वो प्रभु बने, मरे हुए लोगों का भी और जिंदा लोगों का भी। रीड रोमियो 14:9, रोमियो 14:9। क्योंकि मसीह इसीलिए मरा और जी भी उठा, इसलिए मरा और जी उठा। देखो, वह मरे हुए और जीवते हुए दोनों का प्रभु है। मरे हुए का भी प्रभु कौन है? और पहले भी जो मरे हुए थे उनका प्रभु बनने के लिए ही है। तो बहुत होता है, एक ऐसा है कि एक राजा दूर कंट्री में, दूर देश में चला गया और उधर वो कॉन्कर करने के लिए चला गया, उस पर विजय पाने के लिए चला गया और अपने राज्य को अपने लोगों के अधीन सौंपा, ताकि वो जब वापस से युद्ध लड़के आएगा तभी वो फिर से ले सकता है। बाइबल में है ना वो पैराबल, एक राजा दूर कंट्री में जाता है, दैट दूर कंट्री इज व्हाट, समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह ना सिर्फ केवल जो जिंदा है उनके ऊपर प्रभु है, पर प्रभुता मरे हुए लोगों के ऊपर भी रखता है। क्यों? क्योंकि सारी चाबी किसके पास है? अभी यीशु मसीह ने रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1:18 में कहा है, मैं मरा हुआ था पर बिहोल्ड आई एम अलाइव फॉरएवर मोर एंड आई हैव द कीज ऑफ हेल एंड डेथ, चाबी मेरे पास। अमेजिंग। तो यीशु मसीह केवल प्रभु जिंदा लोगों का नहीं है, मरे हुए लोगों का। ही इज द लॉर्ड ऑफ क्रिएशन, ही इज द लॉर्ड ऑफ एवरीथिंग, ऑफ द डेड एंड ऑफ द लिविंग। Beautiful? तो परमेश्वर ने थप्पा डाल दिया, एक सील डाल दिया, एक क्या बोलते, एक वर्क ऑफ अप्रिसिएशन डाल दिया यीशु मसीह को फिर से जिंदा कर, कि यीशु मसीह ने जो काम किया या कार्य किया या जो क्रूस के ऊपर किया वो वैलिड था, वैलिडेशन डाल दिया। और ये भी वैलिडेशन डाल दिया कि वो ही प्रभु है, इसलिए एक नाम उसको ऐसा दिया जो सब नामों से ऊपर है वो, ताकि एक घुट हरे घुटना टेकेगा और हरे जुबान पाया करेगा। अभी मुर्दे यदि जिंदा नहीं होते तो यीशु मसीह को मुर्दों का परमेश्वर होना या प्रभु होने का क्या लाभ है? क्या लाभ है? क्योंकि मुर्दे फिर से जिंदा होने लगे, इसलिए हर घुटना टेकेगा, हर जुबान पाया करेगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो अभी अभी जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है, क्या यीशु मसीह नर्क में उतरे? यीशु मसीह क्या, यीशु मसीह नर्क में उतरे? बोलो ना, बाइबल ने लिखा है यीशु मसीह नर्क में उतरे? धरती के नीचे हिस्से में चले गए, निचले हिस्से, पर नर्क में गए ऐसे लिखा है। तो मुझे कभी कभी अच्छा, धरती के निचले हिस्से में तो नर्क ही है ना, पर एक और जगह था जो भी खाली है, स्वर्गलोक। स्वर्गलोक स्वर्ग धरती के नीचे, स्वर्ग नहीं, स्वर्ग पैराडाइज, जिसे इंग्लिश में पैराडाइज कहते हैं। अब बताओ, एक बार बताओ मुझे, अब्राहम लाजर के साथ जहाँ पर बैठा था वो स्वर्गलोक था, और स्वर्गलोक और नर्क से बातें हो सकती थी? स्वर्ग और नर्क से बातें नहीं होती है, स्वर्गलोक और नरक से बातें होती हैं, क्योंकि आजू बाजू में है और उसके बीच में एक बड़ा सा खाई है, ग्रेट गल्फ, अगर आप लूप पढ़ोगे बर्बर से तो ग्रेट खाई है, तो दोनों के बीच में सिर्फ खाई है, पर सुन सकते हैं। अगर वो रिच मैन ने, वो श्रीमंत आदमी ने बोला कि एक बूंद पानी तो दे दो, मतलब स्वर्गलोक से जाके पानी भी दे सकते। तो यीशु मसीह यदि नर्क में नहीं गए तो ये जन जो नर्क देख के आते हैं यीशु मसीह के साथ चल के कैसे जाके देख के आते हैं? क्या यीशु मसीह ना उद्धार अनुग्रह की वजह से देते हैं, डर की वजह से नहीं?
तो यीशु मसीह नरक क्यों दिखाए? स्वर्ग दिखाया वो समझ में आता है, नरक क्यों दिखाया? क्यों जाएंगे वो पहुंचाना है नहीं दिखाना है? अच्छा क्यों दिखाना है? क्योंकि बहुत सारे उसके लोग नरक में विश्वास नहीं करते, वो हमेशा इंस्पायर करते हैं अनुग्रह से उद्धार करना। He never scared anyone with help. उसे उद्धार की बात नहीं है, रियलिटी स्केयर करने की बात नहीं है कि स्केयर करना कितने लोग। आपको मेरी बैक्स्टर का बुक पढ़ा है? नहीं पढ़ा है, बहुत टाइम मुझे लगा याद नहीं है। उससे आपको और प्यार आया यीशु के ऊपर या और डर लगा? डर लगा वैसा मैं नहीं बोल रही हूँ, डर भर की बात ही मैं नहीं कर रही हूँ। डर की बात बोल रहे हो ना, समझ में आया? उसके लोग नर्क इस पे विश्वास। I'll tell you I saw hell. You'll believe? क्या फर्क? नहीं सच में मैंने देखा। You'll believe? तुम कौन हो? तुम्हारा विश्वास क्यों करूं? नहीं सच में 40 दिन तक मैंने अरे यीशु के हाथ पकड़ के लिए। कौन हो तुम? बाइबल हो तुम? तुमने देखा तो मैंने मान लिया। तो इसलिए हम ऐसी चीजें पढ़ते हो जिससे डर आता है ना, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया। परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा यदि मसीह फिर से नहीं उठे तो आपका विश्वास करना व्यर्थ है। ले जाना है, आपका विश्वास करना व्यर्थ है। साम 73:13 साम 73:13 पढ़ो। निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया है। निश्चय में व्यर्थ मैंने शुद्ध किया अपने हृदय को व्यर्थ में। Okay, read Isaiah 49:4. Isaiah 49:4. Isaiah 49:4. तब मैंने कहा, मैंने तो व्यर्थ परिश्रम किया, मैंने व्यर्थ ही अपना बल खो दिया है, तो भी निश्चय मेरा न्याय यहोवा के पास है और मेरे परिश्रम का फल मेरे परमेश्वर के हाथ में। पर व्यर्थ में सब कुछ किया ना, विश्वास भी व्यर्थ में किया। यदि यीशु मसीह फिर से पुनरुत्थित नहीं हो, if he didn't rise from the dead, it is faith is useless. ठीक है, next one, verse 15, 15 का 15, first Corinthians 15:15. सारे जो apostles थे, वो झूठे थे। आपको ये समझ में आ रहा है मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? अगर यीशु मसीह पुनरुत्थित नहीं हुए या पुनरुत्थान नहीं है तो हमारा प्रचार करना व्यर्थ है, हमारा विश्वास करना व्यर्थ है और सारे जो अपोस्टल्स थे वो लोग झूठे थे। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में यह गवाही दी कि उसने मसीह को
जिला दिया यद्यपि नहीं जिलाया। तो हम झूठे थे, तो हम झूठे ठहरे। एक्स 4:33 पहला करेंगे 15 अभी एक्स 4:33 प्रेरित 4:33 एक्स 4:33